व्हाट्स अप गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल नीराना 45 में स्वागत है। सो गाइस, आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे भोजेश्वर महादेव, यानी हम जा रहे हैं भोजपुर टेंपल। सो वीडियो करते स्टार्ट। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह भोजपुर प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है और कैसे जाया जाए। हम आपको बता रहे हैं यह भोपाल जो अपना पड़ता है, भोपाल के पास में रायसेन जिला है, वहाँ पर यह प्राचीन भोजपुर मंदिर स्थित है, जहाँ पे आप पहुँच के भोलेनाथ के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। सामने दिख रहा है भोलेनाथ का मंदिर, सो सामने दिख रहा है। अब यहाँ से हम पार्किंग में गाड़ी अपनी पार्क करके भोलेनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रसाद वरसाद कुछ ले लेते हैं, प्रसाद फूल के पत्र आपको नीचे ही मिल जाएगा। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं हम सो गाइस नीचे बाजार भी लगी है, बहुत सारी दुकानें हैं। अपनी यहाँ से भी फूल बेलपत्र जो भी प्रसाद आपको लेना आप ले सकते हैं। हम लोग तो ले लिए हैं प्रसाद, 151 रुपये का लिए हैं। अब हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरा भांजा भी है साथ में। आज का सैटरडे था तो इसलिए इधर पे ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ भी नहीं दिख रही, और सुबह हम लोग जल्दी आ चुके हैं तो इसलिए इधर पे ज़्यादा भी शॉप भी नहीं खुली दिख रही होगी आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने मेन गेट है, यहाँ से मेन गेट से हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ आगे का वहाँ का नज़ारा देखिए, कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का, बेहतरीन, चारों तरफ शांति ही शांति है। ये भोलेनाथ मंदिर सामने दिख रहा है, ये देखिए नज़ारा चारों तरफ, जनता भी यहाँ बहुत आ रही है, काफ़ी जन आ रहे हैं, बंदर भी यहाँ बहुत है, सावधानी रखिएगा। और ये देखिए ये स्मारक चिन्ह लिखे हैं यहाँ पे, भोलेनाथ के मंदिर के बारे में बताया गया है, यहाँ पे सब बताया गया है, ऐसे क्या यहाँ पे क्या था। यहाँ पे जो 5 पांडव आए थे वो रुके थे यहाँ रात में, रात्रि विश्राम की थी इस मंदिर पे, राजा भोज द्वारा एक दिन के अंदर, बताया जा रहा है एक दिन के अंदर यह मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है पुराना शिव भोजपुर मंदिर, वो भोलेनाथ का मंदिर दिख रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको श्रद्धालु जन दर्शन करके जा रहे हैं, कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं। नंदी का भी मंदिर ये सामने दिख रहा है, नंदी भगवान विराजमान है जस्ट सामने उनके, यहाँ से सीधे रास्ता लगा हुआ है जाना है आपको। ये देखिए जो रास्ता इस तरफ दिख रहा है, बाएं साइड हमारे दिख रहा है, यहाँ तरफ से आपको अंदर प्रवेश करना है, जस्ट सेकंड दाएं साइड से आपको नीचे मंदिर से दर्शन करने के बाद निकलना है। ये देखिए रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आपको प्रवेश करना है, ये मुख्य द्वार है, यहाँ से आपको प्रवेश करना है। जैसे देखिए ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियों से आपको आराम से शांतिपूर्वक चढ़ना है। ये देखिए भोले शंकर भगवान की जय हो, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वंदनाय मृद्योर्मूर्छिमामृतम्। ये देखिए भोलेनाथ का दर्शन आप करिए, बहुत यहाँ भीड़ लगती है। ये देखिए भोलेनाथ दर्शन दे रहे हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, MP का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग भोजपुर में पाया गया। ये देखिए बाहर का नज़ारा देखिए, यहाँ से कितना सौंदर्यीकरण दिख रहा है, एकदम इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही शांत एकदम वातावरण दिख रहा है, बहुत आनंद आ रहा है हमको यहाँ आके दर्शन करने पर।
आप लोग भी आइए यहाँ पे दर्शन करिए, सब परिवार आइए, फैमिली के साथ आइए और आनंद उठाइए। भोजपुर में आइए, फैमिली के साथ सब आइए। मैं तो भांजे के साथ आया हूँ और फैमिली मेम्बर अब उसके साथ आऊँगा। ये देखिए हम लोग जो सीढ़ी से नीचे भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, अब जो हमने प्रसाद बेलपत्र और फूल उल जो भी लाए हैं, नारियल लाए हैं, धतूर लाए हैं, ये सब भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। यहाँ पे उन ये ज्योतिर्लिंग के ऊपर ये उनकी जो जलहरी है इनको अर्पण कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सबके दूर दुख कष्ट दूर करें, जो मैं आया हूँ मेरे भी करें, साथ में जो भी आपके दर्शन के लिए आए या आपके मंदिर आने के लिए सोचे उनकी आप मनोकामना पूर्ण करिए। भोलेनाथ सबके ऊपर दया दृष्टि बनाते हैं, भोलेनाथ बहुत भोले हैं, उनकी किसी भी तरह पूजा की जाए वो सब तरह से भोले हैं। भोले शंकर सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम पारल्यम वैद्यनाथम चा डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दरुकावने वारणश्रम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारे कुसुमेशम चा शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातम पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम यस्मरणे विन्यासते। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये भगवान ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम है, इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जो भी सुबह शाम जो भी अर्थ देगा भगवान भोलेनाथ उसे सभी उसके सभी कष्ट दूर कर देंगे, उसे घर में सुख समृद्धि लाएंगे। भोले शंकर भगवान माता जगत जननी पार्वती मैया जय हे। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग भोलेनाथ के दर्शन कर चुके हैं, दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल आए हैं। यहाँ से हम लोग अब बाहर घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और बड़ा ही आनंद आया। यहाँ पे चारों तरफ जो है जो गार्डन है और ये देखिए जो जहाँ जहाँ स्तंभ दिख रहे हैं, इन स्तंभों में आप भोजपुर मंदिर के बारे में सभी प्रकार की जानकारियाँ यहाँ आपको मिल जाएंगी। सभी में आप कुछ ना कुछ जानकारी यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जानकारी लिखी हुई है। हेलो गाइस, मैं भोजपुर मंदिर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, अच्छा दर्शन हुए भोलेनाथ के। यहाँ भगवान शिवलिंग का सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, आप लोग भी आइए यहाँ पे दर्शन करिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बढ़िया मंदिर है, घूमने के लिए पार्क वार्क है, थोड़ा सा बंदरों से सावधान रहिएगा।